बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दो क्लाइंट्स की वीडियो हमारी हो चुकी है गूगल क्लाइंट से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थर्ड वीडियो, जिसमें हम एसईओ एजेंसीज फाइंड करेंगे। अब ये एसईओ एजेंसीज होती क्या, सबसे पहले ये समझ लें। देखिए, हम फील्ड कौन सी कर रहे हैं, एसईओ की। एसईओ की सब फील्ड ही गैस पोस्टिंग है। पहले एसईओ है, फिर ऑफ पेज एसईओ, फिर गैस पोस्टिंग आती है, ठीक है। तो जो कंप्लीट एसईओ की एजेंसीज है, उनके पास अकॉर्डिंग टू एसईओ हर काम अवेलेबल होता है। तो हमने सिर्फ उनको अप्रोच करना होता है। अप्रोच कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे हमने फैशन स्टोर्स का डाटा निकाला, जितने भी स्टोर्स थे उनका हमने डाटा कलेक्ट किया था, उम्मीद करता हूँ आपने कलेक्ट कर लिया होगा। वैसे ही एसईओ एजेंसीज पहले एक कंट्री की, फिर दूसरी कंट्री की, फिर तीसरी। जैसे पहले यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, इंडिया, तुर्की, जितनी भी कंट्रीज है सबकी ऐसी एजेंसीज निकालेंगे। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि जब हम सब कंट्रीज की ऐसी एजेंसीज निकालेंगे तो हमारे पास जो डाटा वो कितना ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, मेथड कोई भी बुरा नहीं है, ठीक है। हर मेथड पे काम करना है आपने, ठीक है। लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है वो ये तीनों मेथड सबसे बेस्ट है। इससे भी अच्छे और दो प्लेटफॉर्म ऐसे आ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ बदल देंगे। तो ये जो मेथड है, ये एसईओ एजेंसीज वाला मेथड है। एजेंसीज कैसे फाइंड करनी, एजेंसीज फाइंड क्यों करनी, एजेंसीज फाइंड इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जो काम है वो बल्क में होता है। बल्क मतलब बहुत ज्यादा काम होता है उनके पास। मीन के जैसे मैंने बोला था, अगर हमें एक फैशन स्टोर मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर सकती है, उसी तरह अगर हमें एक एसईओ की एजेंसी मिल जाए तो हमारी जिंदगी तब भी संवर सकती है। डिपेंड करता है कि हम किस जो टॉपिक को या किस मेथड को लेके चलते हैं और कहाँ से क्लाइंट फाइंड करते हैं। तो ऐसी वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक चीज़ और कि चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियोस को लाइक भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, क्योंकि हम आपके लिए नॉलेज लेके आते हैं। और चलते हैं स्क्रीन की जानिब, देखते हैं कि ये ऐसी एजेंसीज कैसे हमने फाइंड करनी। जी तो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे ऐसी एजेंसीज, डिटेल से निकाल लेंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज की निकाल लेंगे। चलते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे लिखेंगे एसईओ एजेंसी इन यूके, ठीक है। सबसे हम पहले हमने यूके की निकाल लेनी है। जैसे कि हमने स्टोर्स निकाले थे ना, पहले हमने एक कंट्री के स्टोर्स निकाल लिए, सारे स्टोर्स जितने भी कैटेगरीज के होंगे, और उसके बाद दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, इस तरह हर कंट्रीज के निकाल लेने। सोचिए कितना ज़्यादा डाटा आ जाएगा। ऐसे हमने ऐसी एजेंसीज, का मैंने बताया कि इनका वाइड नेटवर्क होता है, ब्रॉड नेटवर्क होता है, इनके पास बहुत ज़्यादा बल्क में काम। नो डाउट कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल से वो रिप्लाई करेंगे, लेकिन कंफर्म होता है कि अगर एक एजेंसी लगी तो हमारी जो ज़िंदगी है वो सवर जाने वाली है इंशाल्लाह। वेबसाइट के ऊपर, इनके भी वेबसाइट के ऊपर जाना, क्योंकि हमारा काम जहाँ पर भी होना है वेबसाइट का ही होना है। तो पहले वाली की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। हमने पहले वाली एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर चले गए, ये इनकी पहली एजेंसी है। हमने अब क्या करना है, डॉट यूके तक, जैसे हमने आर्टिकल्स में से क्लाइंट्स निकाल लें, स्टोर्स निकाल लें, ठीक है, और डॉट कॉम या डॉट यूके तक जो भी था, ये हमने यूआरएल इसका कॉपी करना है और लिस्ट में जाना है। लिस्ट में जाके हमने, जैसे कि दूसरी हमने लिस्ट तैयार की करी थी सबकी, वैसे हमने इसकी भी करनी है। ऊपर हम लिखेंगे एसईओ एजेंसी, इन यूके लिख देते हैं, इन यूके, की निकाल रहे हैं। साथ उनका कोई भी कॉन्टैक्ट लिख देते, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये हमने सिंपली लिख दिया। और अब हम इनको करेंगे क्या कि अब हम इनको थोड़ा सा कैपिटल कर लेते हैं ताकि इजीली क्लियर नज़र आ सके, और इन दोनों को कर लेते हैं बोल्ड, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जाके करेंगे उसको पेस्ट, और फिर वापस जाएंगे, और अब हमने इसका कोई कॉन्टैक्ट ढूंढना है तो कॉन्टैक्ट के लिए नीचे आएंगे। यहाँ पर देखे राइट साइड पर नीचे कॉन्टैक्ट दिया है, कॉपी ईमेल एड्रेस किया, लिस्ट में गए, यहाँ पर जाके कर दिए इसको पेस्ट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे जाएंगे और ये नीचे वाली एजेंसी निकाल देखेंगे, इसको हम ओपन कर लेते हैं ऐसे जैसे कि हमने फैशन स्टोर्स ओपन किए थे। तो ये इसकी वेबसाइट है, और इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, और ये भी इसकी वेबसाइट है, इसको हम करेंगे कॉपी यूआरएल को, और लिस्ट में जाकर देंगे पेस्ट, ठीक है। और अब वापस आएंगे और इधर आकर इसका कोई भी ईमेल एड्रेस वगैरह इधर से देखेंगे, ईमेल एड्रेस ना भी हुआ तो हम, मैंने क्या बोला, फर्स्ट हमने जाना है इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, अगर वहां पर भी हमें नहीं मिलेगा फिर हमने इसका नंबर कॉपी कर लेना है, फर्स्ट ईमेल एड्रेस। तो हम इधर आ चुके हैं, इधर नहीं है इनका ईमेल एड्रेस है इधर इनका, तो इसका कॉपी किया और इधर जाके लिस्ट पे जा कर दिया पेस्ट, ठीक हो गया। अब इसको किया क्लोज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की जानिब, ये दो हमारी हो चुकी हैं, थर्ड चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये वाली आ गई इधर,
इसको हमने किया ओपन, किया इसकी एक्सेस डिनाइड है, तो इसको करते हैं क्लोज और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रैपिड एससीओ लंदन, इसकी तरफ चलते हैं हम। इसका हमने ऊपर डॉट लंदन तक हमने इसको किया कॉपी, ठीक है, और लिस्ट में जाकर दिया इसको पेस्ट, और फिर वापस आए। अब हमने इसका ईमेल एड्रेस निकालना है, ये नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इसको करेंगे कॉपी, इधर जाएंगे, इधर जाकर कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और निकालते हैं। ये देखें, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखें नीचे ये कितनी ज्यादा आ जाएंगी एजेंसी, और फिर ये देखें नीचे ये 10th पे तक जा रही है, इससे भी आगे जाएंगी। ये हम सोच भी नहीं सकते कि जितनी एजेंसीज का डाटा हम इकट्ठा कर सकते हैं। डाटा सिर्फ एक बार निकालना याद रखिएगा, मेहनत सिर्फ एक बार करनी है। अगर आप पूरी वर्ल्ड के स्टोर्स का डाटा, एजेंसीज का डाटा निकाल लेते, क्या आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी? कभी भी नहीं पड़ेगी। तो याद रखना है, सिर्फ एक बार डाटा निकालना है, मेहनत एक बार करनी है, बाद में उनको मुख्तलिफ ईमेल एड्रेस से उनको मेल करते जाना है अपने। वो सारे तरीके मैं इंशाल्लाह उसके भी वीडियोस बनाऊंगा, साथ साथ शॉर्ट्स बनाता रहूंगा, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग इजिली क्लियर हो सके इंशाल्लाह, ठीक है। चलो हमने सारी कंट्रीज कवर करनी है, कुछ कंट्रीज कवर करते हैं, जैसे कि यूके की जगह पे अगर हम लिख लेते हैं कैनेडा, कैनेडा, ठीक है, मैं आपको सारी कंट्रीज का बता देता हूँ। ये हमने कैनेडा का लिख लिया, तो ये पहले आ गया एक, इस पे मैंने क्लिक किया, तो लेट्स गेट ऑप्टिमाइज्ड, ये वाली एक एसईओ की एक एजेंसी है, हमने इसकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया और ये आ गई है, ठीक है, इनकी एसईओ की, और इसका यूआरएल किया कॉपी, लिस्ट में जाके कर दिया पेस्ट, ठीक है। और अब इसके ऊपर वैसे हम लिख लेते हैं एसईओ एजेंसी इन इन कैनेडा, ठीक हो गया, हमें याद होगा ये कनाडा की है, एंटर कर दिया। और अब हम इसका ईमेल एड्रेस निकाल लेंगे, नीचे जाएंगे सबसे, और इधर तो नहीं दिया हुआ, इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चले जाएंगे, फेसबुक पे, और जहाँ पर देखते हैं सेंड लेट्स, ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको कॉपी ईमेल एड्रेस किया और इधर जा कर दिया हमने पेस्ट, ठीक हो गया। और इसके बाद हमने इसको किया क्लोज, ये हमने एक निकाल ली। अब इसकी नेक्स्ट निकालते हैं सर्च इंजन पीपल, ये वाली निकालते हैं, इसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं हम, टोरंटो, इसको हमने किया कॉपी यूआरएल को, इधर जाके किया इसको पेस्ट, और फिर नेक्स्ट चलते हैं इसका ईमेल एड्रेस निकालने के लिए, और नीचे इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है, नहीं दिया हुआ, सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी नहीं बताया हुआ इन्होंने इधर नीचे, तो ऊपर चल के देखते हैं, शायद दिया हो, ऊपर इन्होंने नहीं दिया। अब क्या करेंगे इसका ना, हम सिंपली नंबर इधर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इस तो इसको कर लेते हैं कॉपी, कॉपी, और लिस्ट में जाकर देते हैं पेस्ट, ठीक है, तो ये इसका नंबर हमने पेस्ट कर लिया। अब ये हमने कनाडा की भी दो निकाली, अब हम टच देते हैं ना सारी कंट्रीज को थोड़ा थोड़ा, तो अब ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया की निकालते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो एससी एजेंसी इन ऑस्ट्रेलिया भी आ चुकी हुई है हमारे पास, तो हम इसके ऊपर हमने सिंपली किया क्लिक, पहले वाली एजेंसीज के ऊपर, और इसकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया हमने ब्रॉडकास्ट, तो ओपन हो रही है ये पहले वाली, ये देखें ये डॉट एयू आ गया, मीन के ऑस्ट्रेलिया की है, डॉट एयू वाली ऑस्ट्रेलिया की होती है, हमने कॉपी किया लिस्ट में गए, यहाँ पर लिखा एसईओ एजेंसी इन ऑस्ट्रेलिया, AUS लिख देते हैं सिंपली, इसको इंटर करके इसके नीचे हम कर देते हैं पेस्ट इसका यूआरएल, और वापस जाएंगे, और हम इसका ईमेल एड्रेस ही ऊपर ही है, इसको कॉपी करेंगे, लिस्ट में जाएंगे, जाके कर देंगे इसको पेस्ट, और वापस आएंगे, और एक और निकालेंगे इसको, वेबसाइट को ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन हो चुकी है इसकी भी, इसकी भी देखे डॉट ए यू वाली, जिस कंट्री की निकाल लेंगे उसका वो आगे आ जाएगा शॉर्ट नेम, कॉपी किया यूआरएल, इधर जाके हमने किया इसको पेस्ट, और वापस आए, और अब इसको कॉन्टेक्ट नीचे देखते हैं, शायद दिया हो, नहीं दिया हुआ, तो चलेंगे इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है,
और यहाँ पर हमने इसको किया कॉपी, और इधर जाके हमने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक हो गया। अब ये देखें, मैंने आपको यूके के भी निकाल के दिखाई ऐसे एजेंसीज, कनाडा के अभी और ऑस्ट्रेलिया की भी, ऐसे हमने हर कंट्रीज के निकाल ली। आप खुद सोचिए कितनी ज्यादा ऐसी एजेंसीज, क्या इनमें से एक भी नहीं लगेगी? अगर एक भी लगी हमें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? हार्ड वर्किंग जरूरी है, मेथड नए से नए लेके आना मेरा काम है, वर्क करना आपका काम है। मैं आपको ऐसे मेथड देता हूँ जो यूनिक होते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद और भी हमारी गूगल की वीडियोस आने वाली हैं, उनको भी विजिट कीजिएगा। हमारे 5 से 6 मेथड है, आपने सिर्फ एक मेथड, आप खुद देखिए, अगर ऐसी एजेंसीज की तरफ चले जाएं, स्टोर्स की तरफ चले जाएं, आर्टिकल्स की तरफ चले जाएं, कोई एक डाटा ऐसा है जो खत्म होने वाला है? ना खत्म होने वाले, मैंने आपको काम बता दिए। अब मेहनत आपकी, अब हमने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर कर्सर लेके जाना है, ठीक है? अब हमारे ईमेल की तरफ चले जाना, हमने इनको करना है मेल, ठीक है? और मेल में अब हमने क्या लिखना है, मेल में लिखना है कि देखिए आप एक ऐसी एजेंसी रन कर रहे हैं, अब उनको ना प्रोफेशनल ईमेल सेंड करना है टेम्पलेट, ठीक है? उनको प्रोफेशनल टेम्पलेट सेंड करना है। अगर हमने देखे ना, वो बाहर की एजेंसीज है, वो कौन सा कि पाकिस्तान की नॉर्मल ईमेल सेंड कर दो यार, प्रोफेशनल ईमेल खुद तैयार करो। मैंने बताया था ईमेल जो खुद तैयार करोगे ना, वो ही माना जाएगा, ठीक है ना? खुद एक अच्छा सा AI राइटर से कहीं से भी तो वो एक लिखे टेम्पलेट अच्छा सा, और उसको सेंड करे। टेम्पलेट में लिखना क्या वो मैं लाजमी बता देता हूँ। उनको अपना पहले तारुफ करवाए कि आप क्या काम करते हैं, आपको कितना अरसा हो गया इस काम के ऊपर, ठीक है? जब आप उनको ये सारी अपनी अपने बारे में बता चुके होंगे, फिर अपने वर्क के बारे में बताएं, आपके पास कैसी कैसी वेबसाइट्स हैं वो बताएं, आपने किन किन लोगों के साथ काम किया वो बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं, उसके बाद ये बताएं आप उनको क्या फायदा दोगे। बोलो मेरे पास टीम है 2 से 3 बंदों की, 4 बंदों की, मैं आपको काम आपका करके दूंगा, आप मुझे एक बार काम दे कर तो देखें। ये सारी चीजें इंग्लिश में लिखे, देखिए खुद प्रैक्टिस करेंगे, यकीन माने मैं आपको अभी दे देता हूँ। मैंने पहले भी टेम्पलेट दिया था, मैं वही सेंड करता हूँ, मैं वो टेम्पलेट दोबारा इधर पोस्ट कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सोचिए अगर हर बंदा वही टेम्पलेट उनको सेंड करेगा तो वो क्या बोलेंगे? देखो सारे मेंटर यही करते हैं कि एक आपको टेम्पलेट दे देते हैं, आप एक ही बंदे को देखो ना, एक ही बंदे को जब 1,000 लोगों टेम्पलेट सेंड करेंगे तो वो क्या रिप्लाई देना गवारा करेगा? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये एक ही टेम्पलेट है, और मुझे क्या पता, वो ये समझ रहा हो कि ये मुझे मुख्तलिफ ईमेल से एक ही टेम्पलेट सेंड कर रहा है। तो काइंडली हर बंदा अपनी अपनी टेम्पलेट बनाए, देखिए मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैंने पहले बताया आपका भला है इसमें, यकीन करे आप टेम्पलेट कॉपी करोगे। देखो सबने यही ऐसी एजेंसी निकालनी है, जब टेम्पलेट मैं दे दूंगा अगर आप वही सेंड कर दोगे तो काम तो खराब हो जाएगा। वो तो मैं भी सेंड करता हूँ, वो आप भी सेंड, वो हर बंदा सेंड करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसमें यूनिक क्या है, फिर हम कहते हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिलते, इसी वजह से क्लाइंट्स नहीं मिलते। क्लाइंट्स क्यों नहीं मिलते, उसकी बहुत सारी वजूहत है, उनके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दे, हमारा ईमेल का भी हो गया, हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अब हमारे 2 से 3 मेथड्स रह चुके हुए, हम वो भी कवर करेंगे। मुझे इजाज़त दे, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।